top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Bee Tech, excellence with values. कुछ 80 बेच रहा है, कुछ 70 बेच रहा है। नहीं नहीं, 60 की बेच रहा है। मुझे बेच रहे 12 की तरफ, वो तो लूटे गए। हेलो भैया, बहुत दिनों बाद, क्या बात? बस डेली आ रहा हूँ, सुबह सुबह आ जाता हूँ। सुबह आते हो, शाम को नहीं आ रहे? प्याज के चक्कर में, टमाटर के चक्कर में। 30 रुपये पहले कितना था? 10 रुपये 60 रुपये था। 60 अरे अब तो सस्ता हो गया, 30 हो गया। कहाँ की प्याज? इंदौर है भैया। प्याज महंगी क्यों होगी यार? कैसे पीछे से क्या होगा? प्याज हाँ जी, आज प्याज की रेट जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। 60 रुपए किलो हो गया है। कुछ दिन पहले ही ये 30-40 रुपए में लगता था, और प्याज तो ऐसी चीज है जो हर चीज में डरता ही डरता है। तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, आज के डेट में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो कहाँ, ये तो हम किसको दोषी मान सकते हैं कि बरसात का मौसम है, उसके कारण दिक्कत है, ये तो हम नहीं बता सकते। आम आदमी को तो रेट का ही पता है, कारणों का तो देखना आम आदमी का काम नहीं है ना। ये सरकार को देखना चाहिए कि आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं वो कम से कम रेट ठीक रहना चाहिए। ये राजस्थान की फसल खराब हो गई, पूना की फसल थी वो बारिश के अंदर सारी खराब हो गई है। और प्याज अभी 60 रुपए, अब 80-90-100 रुपए पहुंच जाएगी, और प्याज और महंगी होने से दुकानदारी में कितना असर पड़ रहा है? आधे फर्क आ गया है। तो पहले आते थे क्वांटिटी में, दो दो एक किलो प्याज जो लेते, तो अब आधा किलो एक पाव ले जा रहे हैं।